हेलो एवरीवन, आज हम फिर आप सभी के बीच एक नए सर्कुलर या नोटिफिकेशन के साथ हाजिर हैं, जिसमें आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा संचालित विभिन्न कोर्स, जैसे डिप्लोमा HI, डिप्लोमा IDD, डिप्लोमा IDD, सॉरी डिप्लोमा IDD और IDD दोनों एक ही हैं, और CEP, इसी तरह से अलग अलग फॉर्म के लिए जो है RCI द्वारा 22 जून 2022 को एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था जिन बच्चों को डिप्लोमा में प्रवेश के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, उसकी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट जो है 22 जून 2022 था, और उसकी एंड डेट यानी कि फॉर्म भरने की डेडलाइन जो है 21 जुलाई RCI द्वारा एक सर्कुलर के माध्यम से, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको, इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हमने दिखाया हुआ है, तो उसी के संदर्भ में जो है ये सर्कुलर आया हुआ है। इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि जिन बच्चों ने फॉर्म शायद अभी नहीं भर चुके हैं, कुछ लोग के साथ CBSE पैटर्न वाले बच्चों की रिजल्ट नहीं आया है, तो शायद ये भी वजह हो सकता है जिसमें जो है 21 तारीख को छोड़ करके ये वाली जो है कोर्स इन्होंने पोस्टपोन कर, फॉर्म भरने की जो डेट है उसको पोस्टपोन कर दिया है। शायद हम आप लोगों के, माफ़ी चाहता हूँ कि हमने वीडियो 21 तारीख को ही ना अपलोड करके आज अपलोड कर रहे हैं, तो फिर भी जो है हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि जिसको भी अभी भी वक्त है, जिसको भी डिप्लोमा IDD HICP जो भी विभिन्न ट्रेड हैं उसमें प्रवेश लेने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हम दोबारा से अपनी बात को रिपीट करते हैं, RCI द्वारा 22 जून 2022 को एक सर्कुलर जारी किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि जिन बच्चों को फॉर्म अप्लाई करना हो डिप्लोमा में प्रवेश के लिए, उसमें प्री एग्ज़ाम के डेट भी इन्होंने 30 जुलाई और 31 जुलाई को निर्धारित किया हुआ था, उसी के संदर्भ में जो है दोबारा से इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया हुआ है और डेट को एक्सटेंड कर दिया है, अब वो बढ़ा करके 31 जुलाई कर दिया है। तो जिन बच्चों को फॉर्म में अप्लाई करना होगा वो लोग दोबारा से RCI के साइट पर जा करके ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हम एक नई सूचना भी इसमें जोड़ना चाहते हैं, और उसकी पोर्ट जो है हम आपको इसमें दिखाना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या हमारे पास नया आया हुआ है। हम उसमें दिखाते हैं कि हमारे पास भी कॉलेज है, आप उसमें भी कोर्स संचालित होते हैं, आप उसमें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि कॉलेज का कोड क्या है, यानी कि कॉलेज कोड है UP 185, जिसका कॉलेज का नाम है बेस्ट सिस्टम टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वात्सल्य ग्राम वृंदावन मथुरा, और पिन कोड जो है 28103 है। तो यहाँ पे भी यानी कि हमारे यहाँ भी जो है दो कोर्स संचालित की जाती हैं, जिसमें डिप्लोमा IDD और डिप्लोमा HI, ये दोनों कोर्स संचालित होती हैं। उसमें जैसा कि हमने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जो 10+2 होगा जिसके पास और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, तो उनके लिए जो है 50% मार्क्स चाहिए 10+2 में, और जो सामान्य कैटेगरी के अलग हैं जैसे कि SC ST OBC या EWS, तो उनके लिए भारत सरकार द्वारा जो OBC प्रमाण पत्र या SC प्रमाण पत्र अगर फॉर्म में अप्लाई करते हैं फॉर्म के साथ, पर एक बात ध्यान रखें कि जो है फॉर्म भरने से पहले आप लोग ये सुनिश्चित कर लें कि जो है SC ST OBC या EWS के प्रमाण पत्र 2022 के ही होनी चाहिए, नहीं तो काउंसलिंग के दौरान आपकी वो मार्कशीट मानी नहीं जाएगी और आपको जनरल में क्वालिफाई करना होगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए, और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, तो आप लोग मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं, तो हमारे द्वारा भी आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने फ़ोटो अटैच कराया है, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, कुछ बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, तो दोनों तरह से फ़ोटो आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो जब भी आपको हमारे कॉलेज में विजिट करना होगा तो आप लोग विजिट कर सकते हैं, गूगल पे भी विजिट करके भी और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें बेस्ट सिस्टम टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट परम शक्ति पीठ वात्सल्य ग्राम के नाम से जो है संचालित किया गया। तो आप लोग इसमें जो है जिसको भी प्रवेश में फॉर्म अप्लाई करना है या किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, तो वो हमारे चैनल @PRT राजेश कुमार के चैनल पे आकर के, वहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया होगा, तो आप लोग मोबाइल नंबर हम दोबारा से दिखा दे रहे हैं, इसमें मोबाइल नंबर लिखा होगा, तो कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।